हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल गोश्त। तो चलिए देखते हैं कि दाल गोश्त बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दाल गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मटन और हमने लिए है 1 कप तुअर की दाल और 1 कप चने की दाल। आप यहाँ पर सिर्फ चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दाल है इसको हमने 2 से 3 पानी से धोने के बाद 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और इसका सारा पानी निकाल लिया है। और हमने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 5 से 6 काली मिर्च, 4 लौंग और 1 फूल। और सूखे मसाले में हमने ली है 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और इसी के साथ हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। हमने एक प्रेशर कुकर में 4 से 5 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और प्याज को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो प्याज है थोड़ी सॉफ्ट होने लगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो सॉफ्ट होने लगी है। इस स्टेज पर हम इसमें से 1 टेबलस्पून जितनी प्याज निकाल लेंगे। देखिए, हमने ये जो प्याज निकाली है इसका इस्तेमाल हम तड़के के लिए करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे खड़े मसाले। इनको 5 से 7 सेकेंड के लिए सोटे कर लेंगे। 5 से 7 सेकेंड के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मटन को हाई फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनने के बाद मटन का कलर चेंज होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ ऐड कर देंगे टमाटर और सारे सूखे मसाले। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए खुले में पकाया है ताकि हमने जो इसमें मसाले ऐड किए हैं उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। इसे लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे और लीड को खोल कर इसे एक बार चेक कर लेंगे। हमने प्रेशर कुकर में जो गोश्त पकाया था उसको हमने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब लो फ्लेम पर हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ये लो फ्लेम पर पकता है तब तक हम दाल को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे। अब हमने उसी प्रेशर कुकर में दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 1 कप तुअर की और 1 कप चने की दाल ली है जिसको 2 से 3 पानी से धोकर 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 500 ml पानी। आप यहाँ पर तुअर की दाल की जगह सिर्फ चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल को बॉईल करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। देखिए, नमक हम यहाँ पर ध्यान से ऐड करेंगे क्योंकि हमने मटन में भी नमक ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और हमने यहाँ पर 2 छोटी हरी मिर्च ली है जिनको हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। अब प्रेशर कुकर को लीड से कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने के बाद
मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमने दाल को भी अच्छे से बॉईल कर लिया है और जब तक दाल बॉईल हो रही थी हमने मटन को भी लो फ्लेम पर पका लिया है और बीच बीच में हम इसे 2 से 3 बार चेक भी करते रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल की हुई दाल। दाल को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। और हम इसे 30 से 35 सेकेंड के लिए लगातार फेंट लेंगे। हमने इसे 30 से 35 सेकेंड के लिए लगातार फेंट लिया है। अब हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए इसे पका लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी को हमें कुछ ऐसा रखना है। अब इसके जायके को और बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना। बारीक कटे हुए हरे धनिया और पुदीने को हम दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए हमने 2 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम करने के बाद इसमें वो 1 टेबलस्पून प्याज जो हमने निकाली थी वो ऐड कर दी है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे। प्याज गोल्डन होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च ऐड करके हम 5 से 7 सेकंड के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारे तैयार किए हुए तड़के को ऐड करेंगे दाल गोश्त पर और इसे गार्निश कर देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से। और हमने जो दाल गोश्त बनाया है इसे सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म चपाती या फिर चावल के साथ। तो खाने के लिए तैयार है लजीज दाल गोश्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।